लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। इस चुनावी बुलेटिन में हमारे पास कई खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर है लोजपा से नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। गुरुवार को दिल्ली में अस्पताल में हुआ निधन, पार्थिव शरीर पहुंचा पटना, जानिए कब होगा अंतिम संस्कार। लालू यादव को चारा घोटाला मामले में मिली जमानत, कब आएंगे जेल से बाहर। दूसरे चरण का नामांकन शुक्रवार से शुरू, देखिए कब है पर्चा भरने की अंतिम तारीख। न्यूज बुलेटिन में जाते जाते देखिए किस विधायक का कटा टिकट तो छोड़ा अन्न जल, और किस विधायक पर हुआ धमकी देने और गाली गलौज करने का मामला दर्ज। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान दुनिया को छोड़कर चले गए। रामविलास पासवान काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी। लोजपा के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से पूरा देश शोकाकुल। उनके निधन के बाद शोक में राष्ट्रपति भवन सहित पूरे देश में राष्ट्र ध्वज झुका दिया गया है। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना। पार्थिव शरीर को पहले ले जाया गया विधानसभा, उसके बाद लोजपा के ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया पार्थिव शरीर। शनिवार को दीघा घाट में होगा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लालू को मिली राहत, आरजेडी सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू यादव को चाईबासा कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। चाईबासा कोषागार समेत अन्य मामलों में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। लालू यादव पर 33.67 करोड़ रुपए के गबन का है आरोप, मगर अभी जेल में रहेंगे लालू। अगले महीने होनी है एक और मामले की सुनवाई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से लगातार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी भी दिल्ली के 12 जनपद स्थित रामविलास पासवान के आवास पर पहुंचकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्य का अतिरिक्त भार मिला रेल मंत्री पीयूष गोयल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने लगाई मुहर। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में मंत्री का पद हो गया था खाली। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन जारी। 3 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 94 सीटों पर की जाएगी वोटिंग। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की है अंतिम तारीख। पटना के 9 विधानसभा सीटों पर भी 3 नवंबर को होगा मतदान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने शुक्रवार को दिवंगत केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संरक्षक रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे मंडल मसीहा थे। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को सादगी से भरा, सदा मुस्कुराने वाला और सबका दिल जीतने वाला इंसान बताया। उन्होंने कहा कि वे जाति धर्म की संकीर्णता में कभी नहीं आए, वे सबसे प्यार करते थे और सब उनसे प्यार करते थे। इसमें दल का कोई बंधन नहीं था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार के लिए आएंगे पटना। वे रविवार को गया में होने वाली चुनावी सभा में लेंगे भाग। जानकारी के अनुसार नड्डा की पहली सभा गया के गांधी मैदान में होगी, उसके बाद वे जाएंगे पूर्णिया। बीजेपी विधायक चोकर बाबा का टिकट कटा तो उन्होंने अन्न जल ही छोड़ दिया। कहा कि मैं सन्यासी हूं और जीवन भर अब फलाहार पर ही रहूंगा। बात सीवान के अमनौर विधानसभा क्षेत्र की है। कहा जा रहा है कि चोकर बाबा के नाम से फेमस बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी पार्टी से नाराज हो गए हैं। हालांकि अभी अमनौर से प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, लेकिन चोकर बाबा का टिकट कटना तय माना जा रहा है। बिहार में चुनाव की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां तैनात रहेंगी। इसमें से 300 कंपनियां यहां अभी मौजूद हैं, जबकि अर्धसैनिक बलों की 300 अतिरिक्त कंपनियां जल्द ही पहुंचेंगी। कोरोना काल में पहली बार हो रहा है चुनाव। बूथों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसका जिम्मा ANM समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है। इसे लेकर जिलों में प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह है मुस्तैद। राजद विधायक सरोज यादव पर FIR दर्ज। ऑडियो वायरल मामले में हुआ मामला दर्ज। धमकी देने का है मामला। दलित युवक को गाली गलौज करने के मामले पर FIR दर्ज। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।